कैसे करें ब्रीडिंग की तैयारी। सो हेलो गाइस, मैं हूं रोहित गुप्ता भोपाल से और वेलकम करता हूं आपका आपके और हमारे इस यूट्यूब चैनल भोपाली बर्ड्स लवर्स में। दोस्तों गाइस, आज मैं आपको जानकारी देने वाला हूं, जैसा कि आप सभी को पता होगा बारिश होने लगी है और ब्रीडिंग सीजन आने वाला है, तो इन सब बर्ड्स की ब्रीडिंग स्टार्ट हमें किस तरह से करनी है वो सब जानकारी आज वीडियो में कवर करूंगा, और मैंने क्या क्या तैयारी कर ली है ब्रीडिंग के लिए वो सब भी आपको इसमें दिखाऊंगा। कितने पेयर मेरी इस कॉलोनी में मैंने रिलीज कर दिए हैं, मटकी हम कब लगाएंगे, मटकी किस तरह से लगाएंगे, मटकी को धोकर हम किस तरह से अभी फ्रेश उसको सुखा लेंगे, ये सब चीज़ें इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ, और किस तरह से मटकी को सैनिटाइज करेंगे। और अगर आपके पास भी कॉलोनी या फिर केज है तो आपके लिए भी, केज में अगर आप ब्रीडिंग ले रहे हैं तो आपके लिए भी ये वीडियो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। दोस्तों वीडियो पूरा शुरू से एंड तक देखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और जानकारी से भरा ये वीडियो है। तो गाइज वीडियो को करते हैं स्टार्ट, पर उसके पहले एक लाइक कर दीजिए अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, और जिन नए दोस्त भाई ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को लिए सब्सक्राइब। चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सो गाइज, अब हम करेंगे ब्रीडिंग के लिए तैयारी, क्योंकि बरसात में जो होता है ब्रीडिंग के लिए हमें तैयारी करनी होती है। और जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, मटकियां जो है दोस्तों हम वॉश कर रहे हैं, और वॉश करना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि मटकियां 2 से 3 महीने की रखी हुई होती हैं, और इनके अंदर जो है दोस्तों जर्म्स या फिर जो वायरस जिसे हम कहते हैं, इसमें कीड़े मकोड़े अपना घर बना लेते हैं दोस्तों, और जिस कारण से इसके अंदर अगर हम ब्रीडिंग कराएंगे तो हमारे बर्ड्स को नुकसान हो सकता है। तो आज हम इसे साफ़ करेंगे पूरी मटकियों को, और आप देख सकते हैं इन्हें हम सैनिटाइज़ भी करेंगे। तो सैनिटाइज़ करने के लिए हमारे पास आप देख सकते हैं ये जो है एक स्प्रे है, या स्प्रे बॉटल के अंदर जो स्प्रे आता है नाई जिसे यूज़ करते हैं, और ये डिटॉल हम इसमें मिला लेंगे। तो लगभग 1 लीटर या 1/2 लीटर पानी के अंदर, आप देखिए 1/2 लीटर है तो 1/2 ढक्कन, और अगर 1 लीटर लगभग 700 ml पानी आता है इस बॉटल में, तो लगभग 1 ढक्कन आप मिला लीजिए। और 1 ढक्कन मिलाने के बाद ये जो स्प्रे है इसके अंदर इसको डालकर पूरी तरह अच्छे से हिलाइए, और हिलाने के बाद दोस्तों अब हम इससे करेंगे हमारी जो मटकियां हैं उन्हें सैनिटाइज़। और सैनिटाइज़ करना इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसके अंदर जो जरासीम या फिर जो भी कीटाणु अगर इसके अंदर लग जाते हैं तो वो सब मर जाते हैं। और अभी मटकियाँ जो हैं वो पूरी तरह से गीली हैं, देखिए आप मटकियाँ पूरी चारों तरफ से गीली हैं, और अब हम इन्हें स्प्रे और कर रहे हैं पानी से, तो ये काफ़ी ज़्यादा, देखिए अब ये गीली है, पर ये साफ़ देखिए पूरी तरह हो चुकी हैं, जिसमें कि अब इसमें ब्रीडिंग होगी। तो ब्रीडिंग में जो बर्ड्स के बच्चे होते हैं या फिर अंडे होते हैं या फिर खुद बर्ड्स जो होते हैं उन्हें कोई भी नुकसान नहीं होगा दोस्तों। तो ये देखिए इस तरह से हम इन्हें सैनिटाइज़ कर लेते हैं सभी मटकियों को, और एक एक मटकी को हम धूप में रखेंगे। धूप में रखने से होता ये है कि जो ये मटकी है ये तो एक तरह से सूख जाएगी, पर जो और वायरस जो इसके अंदर बचे होंगे तो वो धूप से भी मर जाएंगे। तो लगभग देख सकते हैं आप 29 से 30 मटकियाँ मेरे पास अभी यहाँ अवेलेबल हैं, और सभी मटकियों को मैं और मेरे पापा जी, जो कि आप देखा होगा हर वीडियो में आपको हेल्प करते हैं मेरी, तो हम लोग इन मटकियों को सैनिटाइज़ कर रहे हैं। तो देखिए आप ये सभी मटकियां जो हैं ये सैनिटाइज़ हो चुकी हैं, और धूप में अब इन्हें सूखने के लिए रख दिया है। तो सूखने के बाद दोस्तों लगभग इन्हें 2 से 3 घंटा 4 घंटा तक, जितनी धूप अभी आ रही है, क्योंकि धूप भी काफ़ी कम आ रही है, आजकल बारिश हो जाती है शाम के टाइम हमारे भोपाल में, तो धूप भी काफ़ी ज़्यादा कम है। तो ये मटकियाँ देखिए आप पूरी तरह से साफ़ हैं, और इनके अंदर जो बीट लगी हुई थी पुरानी जो ब्रीडिंग हुई थी वही मटकियां हैं ये, तो इनके अंदर जो बीट लगी थी वो हमने पूरी तरह साफ़ कर दी है। और अब हम इनको लेकर चलेंगे कॉलोनी के अंदर और कॉलोनी में टांगेंगे, पर अभी नहीं टांगना है मैंने, क्योंकि अभी जो है दोस्तों ये जो नीचे आप देख रहे होंगे हमारे केज के अंदर कुछ बहुत सारे बर्ड्स हम जो परचेस करके लाए थे उन्हें सबसे पहले हमें कॉलोनी में रिलीज़ करना है, क्योंकि कॉलोनी के अंदर मैंने जैसा कि आपको बताया था इस बार हम काफ़ी ज़्यादा पेयर की ब्रीडिंग लेंगे। तो देखिए आप ये जो नीचे आपको यहाँ पर बर्ड दिख रहे होंगे, जो नीचे के 2 खन पिंजरे के आपको अलग अलग दिख रहे होंगे, उसमें काफ़ी सुंदर और बहुत सारे बर्ड्स होंगे। सो गाइज, मटकियों को सैनिटाइज़ करने के साथ साथ जो इनके ढक्कन हैं हम उन्हें भी सैनिटाइज़ कर रहे हैं, क्योंकि ढक्कन जो है दोस्तों अब बारिश आ गई है, जैसा कि आपको पता है ठंडा मौसम हो चुका है, और अब हम जो है ढक्कनों को खोल कर नहीं रख सकते हैं, ढक्कनों को ढांकना हमें पड़ेगा ही, क्योंकि मैंने जैसा कि आपको पहले भी हर वीडियो में बताया है, जितनी ज़्यादा आप अपने बर्ड्स को प्राइवेसी देंगे उतने जल्दी और उतनी अच्छी ब्रीड आपके बर्ड्स करेंगे। तो ढक्कन को भी इस तरह सैनिटाइज़ करके डिटॉल के पानी से इन्हें भी हम सुखा लेते हैं। तो ये देखिए काफ़ी सारे ढक्कन यहाँ पर अवेलेबल है, मेरे पास और भी मटकियाँ और भी ढक्कन अवेलेबल हैं, तो जितना ज़रूरत होगी हम उतना ले लेंगे। तो अब हम बारिश के लिए और जो तैयारी करने वाले हैं वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ये देखिए मौसम काफ़ी ज़्यादा सुहाना है, और ये अगले दिन का वीडियो है गाइज, और जिस तरह का मौसम हो रहा है उस हिसाब से आपको पता है ये ग्रीन नेट हमको यहाँ ऊपर से खोलनी है जो दिख रही होगी आपको,
तो हम फटाफट ये ग्रीन नेट जितनी भी आपको यहाँ पर लगी दिख रही है ये ग्रीन नेट खोलेंगे और बरसात के लिए अब क्या तैयारी है और बरसात के लिए हमें क्या ये पन्नी वगैरह हम लेकर आए। देखिए अब ये पन्नी है और ये रस्सी रखी हुई है यहाँ पर, तो हम इसको बरसात के लिए किस तरह से बांधेंगे वो मैं आपको अभी आगे वीडियो में दिखाने वाला हूँ, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिए। और जो हमारे सब्सक्राइबर भाई हैं जिनके पास एक दो पेयर हैं उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आगे ये भी बताऊंगा कि आप बरसात में किस तरह से शीड मिक्स में भी चेंजेस कर सकते हैं और किस तरह से आप केज में जो है उनकी केयर कर सकते हैं हमारे बजी स्पैरोट की। तो ये देखिए आप, ये जो हमारी ग्रीन नेट हमने बांधी थी गर्मी के लिए या फिर गर्मी से हमारे बर्ड्स को बचाने के लिए, तो गर्मी का मौसम लगभग ख़त्म हो चुका है और ये ग्रीन नेट आपको खोलते हुए दिख रहे होंगे मेरे पापा जी उस तरफ। तो ये देखिए अब ये पूरे पत्थर यहाँ पर आपको अवेलेबल दिख रहे होंगे जो हमारे टीम के ऊपर हमने रखे हैं कि ये जो शेड है ये उड़े ना, और ये पूरी ग्रीन नेट जो है ये फट चुकी है हवा से। तो ये देखिए आप, ग्रीन नेट हमने हटा ली है और आपको दिख रहा होगा यहाँ पर ये जो पानी है ये थोड़ा थोड़ा आ गया है, बारिश चालू हो गई है और इतना सारा ये कचरा आपको दिख रहा होगा ये निकला है पूरा टीन के ऊपर से। ये देखिए आप, ये ढेर सारा कचरा हमारे टीन के ऊपर था और जब हमने टीन के ऊपर गर्मी से बचाने के लिए ये देख सकते हैं आप, ये जो थर्माकोल की शीटें हैं और ये जो लकड़ी के ये पुट्ठे तख्ते वगैरह हैं ये सब लगा रखे थे, तो काफ़ी ज़्यादा राहत थी हमारे बर्ड्स को। पर अब देख सकते हैं आप, ये हम यहाँ पर लेकर आ गए हैं हमारी वही वाली जो आपको ब्लू कलर की मैंने पन्नी दिखाई थी। तो ये देख लीजिए आप, ये हम इसके ऊपर चढ़ा रहे हैं और ये क्या है, वीडियो बनाते बनाते दोस्तों काम भी करना पड़ता है तो पूरी तरह से मैं आपको सही से दिखा नहीं पा रहा हूँ। तो ये देखिए आप, ये आपको ऊपर दिख रही होगी इस तरह से हमने इसके ऊपर गाइज ये पत्थर वगैरह जमा दिए हैं। और ये टीन के ऊपर पत्थर जमाने का एक फ़ायदा ये भी है कि टीन भी जो है वो अपनी जगह से नहीं हिलती है और इसे भी हम उसी तरह से बांध देंगे गाइज जिस तरह से हमने पिछली बार ग्रीन नेट बांधी थी। तो इस तरह से हम इसे फटाफट से बांध लेते हैं और उसके बाद मैं आपको आगे दिखाता हूँ कि किस तरह से ये जो पन्नी है ये हमारी कॉलोनी को बारिश से बचाएगी। तो गाइज हमारी जो पन्नी है वो देख सकते हैं आप, ये लगकर कंप्लीट हो चुकी है और इसके नीचे गाइज हमने जो है लकड़ियाँ लगाकर और इसको बांध दिया है। तो आप देख सकते हैं ये किस तरह से अच्छे से हमारी पन्नी जो है लग चुकी है और इससे अब हमारे बर्ड्स को जो है पानी तो नहीं लगेगा गाइज। आप देख सकते हैं चारों तरफ कॉलोनी के जो आपको दिख रहा होगा हमारी जहाँ पर जालियाँ अवेलेबल हैं वहाँ पर इस पन्नी के लगने से जो है इसको हमने बांध दिया जिस तरह से, तो अंदर पानी नहीं जाएगा। और अब हमने जो बर्ड्स लाकर रखे थे वो मैं आपको बताता हूँ, हम उन्हें छोड़ने वाले हैं। तो जो बर्ड्स हमारे नीचे केज में अवेलेबल हैं तो अब हम उन्हें छोड़ते हैं चल के, और किस तरह से हमें उन्हें छोड़ना है ये मैं आपको आगे वीडियो में दिखाता हूँ। सो गाइज अब हम आ गए हैं कॉलोनी के अंदर और कॉलोनी के अंदर सबसे पहले मैंने आकर जो काम किया है वो मैं आपको बताता हूँ। मैंने सबसे पहले मेल फीमेल की जो है वो काउंटिंग कर ली है। तो ये जो नीचे आपको दिख रहे होंगे ये यहाँ पर हम कुछ नए बर्ड्स लेकर आए थे हमारी कॉलोनी में रिलीज़ करने के लिए जो कि हमने अभी तक नहीं किए हैं। तो बाहर जो है दोस्तों काफ़ी ज़्यादा जो है मेल अवेलेबल हैं, तो पहले हम फीमेल छोड़कर जो है इनका बैलेंस कर लेंगे। तो ये यहाँ पर हमने पिंजरा बाहर निकाल लिया है और जो हमारे पास एक्स्ट्रा फीमेल है वो हम पहले यहाँ पर कॉलोनी में रिलीज़ करेंगे, जो कि हमारे बाहर एक्स्ट्रा मेल घूम रहे हैं, लगभग 7 मेल एक्स्ट्रा हैं और 20 पेयर के लगभग बाहर हो जाएंगे जब हम 7 फीमेल छोड़ देंगे बाहर। तो सबसे पहले हम जो छोड़ेंगे दोस्तों वो फीमेल ही रिलीज़ करेंगे कॉलोनी में और पहले 20 पेयर की बैलेंसिंग कर लेंगे। तो सबसे पहले देखिए आप, ये कुछ हम फीमेल्स ही छोड़ रहे हैं, आपको मैं पकड़ के दिखाता हूँ। ये देखिए ये फीमेल है और इस तरह से हम एक एक करके एक एक फीमेल जो है वो रिलीज़ करके पहले हम यहाँ पर बैलेंस करेंगे हमारी जितनी फ़ीमेल हैं और फिर पूरे जितने बर्ड्स हैं हम इन्हें कॉलोनी के अंदर रिलीज़ कर देंगे। और अभी हम मटकियाँ नहीं लगाएंगे जैसा कि मैंने आपको बताया था, और इनके शीड मिक्स में जो हम चेंज करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि हमारे जो सब्सक्राइबर भाई हैं वो जानना चाहेंगे कि बारिश में कौन सा शीड मिक्स दें। वैसे बारिश के लिए हम पूरा एक वीडियो अपडेट अलग से लेकर आएंगे, पर फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, इसमें हम सनफ्लावर ऐड कर देंगे और सॉफ्ट फूड वगैरह थोड़ा कम कर देंगे बारिश के अंदर। और अब आप देख सकते हैं ये कॉलोनी के अंदर पूरे बर्ड्स जो हमने यहाँ पर रिलीज़ कर दिए हैं, कुछ 4 या 5 पेयर हमारे अभी भी केज में अवेलेबल हैं जिन्हें हम मटकियाँ जब लगाएंगे, जब मैं मटकी का वीडियो लेकर आऊँगा तब पूरा मैं आपको दिखा दूंगा कि किस तरह से हम उन्हें भी रिलीज़ कर देंगे। और अभी आप देखिए कॉलोनी हमारी कितनी ज़्यादा भरी दिख रही है, लगभग लगभग 35 पेयर के लगभग दोस्तों 70 पीस बजीज आपको इस कॉलोनी में अब दिख रहे होंगे और हमारी कॉलोनी में यहाँ भी कुछ नीचे बजीज बैठे हैं। तो 70 पीस हमारी इस कॉलोनी में हमने रिलीज़ कर दिए हैं और अब इनकी बहुत शानदार और बहुत अच्छी ब्रीडिंग के लिए हम सब जब तक मटकी लगाएंगे उसके पहले इनका मल्टीविटामिन कैल्शियम और जो टेट्रासाइक्लिन हमारा एंटीबायोटिक होता है उसका कोर्स पूरा कराएंगे। तो इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस दोस्तों मेरे चैनल पर आती रहती हैं। मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में, आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। तो तब तक के लिए थैंक यू गाइज़।